दोस्तों रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद अब दुनिया के दो और कट्टर दुश्मन आपस में भिड़ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमले कर रहे हैं उसे देखकर पूरी दुनिया के होश उड़ गए हैं। लेकिन इस बार ईरान ने वो धमाका किया है जिसने इजराइल और अमेरिका में हड़कंप मचा दिया है, क्योंकि ईरान ने अपनी घातक मिसाइलों से अमेरिका के RQ-4 ग्लोब हॉक ड्रोन को मार गिराया है। और अब तीनों ही देशों के बीच में तनाव इस कदर बढ़ गया है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर कभी भी ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ईरान लगातार रूस को अपने हथियारों को सप्लाई कर रहा है, साथ ही साथ रूस के साथ मिलकर खुद को परमाणु ताकत से लैस करना चाहता है। और साथ ही साथ ईरान ने यह भी दावा किया है कि उसने एक हाइपरसोनिक मिसाइल को विकसित कर लिया है और अब रूस से 4.5 जनरेशन के Sukhoi-35 फाइटर जेट को भी खरीद लिया है, जो सीधे तौर पर अमेरिका के F-35 को टक्कर देगा जिसे इजरायली एयरफोर्स इस्तेमाल करती है, क्योंकि रिसेंटली इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर ड्रोन स्ट्राइक की थी जिसके बाद ईरान का सारा खेल खत्म हो गया था। इसलिए ईरान ने बड़ा कमबैक करते हुए अमेरिका के RQ-4 ड्रोन को मार गिराया है।